नॉन स्ट्रीट भारत राष्ट्र के हित में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि जबरन धर्मांतरण को लेकर वो अपने राज्य में कड़े से कड़े कानून बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पे भी इसको लेकर काफी लंबी बहस चल रही है। लॉ स्ट्रीट भारत भी लगातार देश हित से जुड़े जो कानून है उस पर अपनी मुहिम लगातार आगे बढ़ा रहा है। और आज जबरन धर्मांतरण को लेकर हम आए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज एस एन श्रीवास्तव जी के पास। और सर, स्वागत है आपका लॉ स्ट्रीट जर्नल में। धन्यवाद। श्रीवास्तव सर, पहला सवाल यही रहेगा, आपने तो कई राज्यों में काम किया है और इस क्षेत्र में आपका जो काम है वो सराहनीय है। आपने अपने एफर्ट से कई राज्यों में जबरन धर्मांतरण को बिल्कुल सिरे से ख़त्म किया है, क्या अनुभव रहा आपका? जो धर्मांतरण का आज का बहुत बड़ी समस्या जो हो गई है, इसके बारे में मैं देख रहा था तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट चल रहे थे तो आर्टिकल 25 में प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट, तो प्रोफेस और प्रैक्टिस में तो किसी को दिक्कत नहीं थी, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को ये था कि प्रोपोगेट न किया जाए, क्योंकि प्रोपोगेट को बहाना बनाकर और ये धर्मांतरण का खेल शुरू होगा। कई सदस्यों का उसमें भाषण है और आगे चल करके हिंदुस्तान को हिंदुओं को माइनॉरिटी बनाने का ये प्रयास किया जाएगा, जैसा पिछले भूतकाल में भी हुआ है। इस प्रकार उन्होंने चिंता व्यक्त की थी, परंतु कुछ कारणों से प्रोपोगेट वर्ड रह गया आर्टिकल 25 में, और उसका फ़ायदा, उस प्रोपोगेट का फ़ायदा लेकर कि आज जो धर्मांतरण हो रहा है वो हो रहा है और बहुत व्यापक स्तर पर हो रहा है, जो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। स्वामी विवेकानंद ने उस पहले इतने समय पहले ही कहा था कि अगर एक व्यक्ति हिंदू से मुसलमान या ईसाई बनता है तो केवल एक संख्या कम नहीं होती, बल्कि वो इस देश के, इस संस्कृति के विरुद्ध काम करने वाला एक व्यक्ति बनता है, तो ये कितना खतरनाक है स्थिति। मैं हाई कोर्ट में था तो माइनॉरिटी पर एक बहस चल रही थी, उसमें पूरा इतिहास पढ़ने का मुझे मौका मिला, उसमें किस प्रकार से कन्वर्ट किया गया, फोर्स कन्वर्जन कैसे हुआ। आज भी स्थिति काफ़ी अलग नहीं है, उस समय जजिया सीधे लिया जाता था और जजिया जो नहीं दे सकते थे, जो आज पसमानदा बहुत बड़ी संख्या में दिखाई पड़ते हैं, वो ऐसे ही लोग हैं जो बहुत गरीब थे और उनका जजिया टैक्स इतना हाई भी था कि फोर्स कन्वर्जन उनका हुआ गरीबी कारण। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी दो किताबों में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री में, इसका जिक्र किया है कि किस प्रकार फोर्स कन्वर्जन जजिया टैक्स से हो रहा है। आज की स्थिति बहुत अलग नहीं है, ये जजिया का स्वरूप बदल गया है। आप हलाल सर्टिफिकेशन अभी जो चल रहा है, आप इस्लामिक संगठनों के द्वारा हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है, अब चाहे हिंदू कोई भी हो जिसका सर्टिफिकेट हलाल है वही मार्केट में बिकेगा, तो वो एक उनका परसेंटेज मिलता है, वो कंपलसरी जजिया है। इसी प्रकार से विभिन्न तरीके से काम हो रहा है। मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में था तो उस समय इस पर अध्ययन करने का मौका मिला, अन्य भी तरीक़ों से हो रहा है। उसके बाद मैं उत्तराखंड में पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का, स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बना, तो मेरे संज्ञान में ये आया कि कन्वर्जन का एक स्वरूप ये भी है कि पहाड़ की भोली भाली लड़कियां गांव में, कोई फल वाला गया मुस्लिम लगा रहा है, सब्जी वाला, सिंदूर वाला, वो गरीबी बहुत है, ज़्यादातर इकॉनमी पहाड़ की जो है इस पर बाहर से जो सर्विस करने वाले लोग हैं तो उनके तनख्वाह पर है, गरीबी बहुत है। तो जो वहाँ की
हिंदू लड़कियां हैं किसी कारण से उन सीधे सच्चे भोले भाले लोगों को हजार से ज़्यादा हर साल मैंने देखा कि उनको भगा कर ले जाना, फुसला कर ले जाना या किसी प्रकार से ले जाना, ये मैंने देखा उस पर। सर लेकिन उत्तराखंड में तो कानून बना हुआ है, अब बन रहा है ना, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ज़माने में बना था लेकिन वो इतना लचर था कि उसमें कुछ हो नहीं सकता था। अब मैंने सुना है कि वो कानून अब उसका अमेंडमेंट किया है और एक प्रभावी कानून अब बना है, लेकिन ये मैं 2008 से 2012 तक का बता रहा हूँ। और बहुत से ऐसे लड़कियां जो रेस्क्यू करके लाई गईं, उन्होंने सारा सिस्टम बताया कि किस प्रकार ले जाते हैं, मस्जिदों में रहते हैं, वो खाना नहीं खाने 3 दिन मिलेगा, वहाँ पर किस प्रकार जो है वो झाड़ फूँक होता है, किस प्रकार उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत से लड़कियों का मैंने बयान लिया और एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट की। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका गरीबी का ये, और तीसरा जो है जिन क्षेत्रों में मुस्लिम बहुत बाहुल्य हो गए हैं वहाँ टेरर के आधार पर उनको कन्वर्ट करना। बहुत बड़ा संख्या है उत्तराखंड में कि बहुत बड़ी संख्या। मेरा तो व्यक्तिगत ये मानना है कि उत्तराखंड में हिंदू बहुल संख्या 20-25 वर्ष की है। 20-25 वर्ष के बाद मैंने जो अध्ययन किया वहाँ, वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर कोई मुसलमान हो जाएगा, इतनी बड़ी संख्या हो गई है। ऊधम सिंह नगर और करीब 42%, हरिद्वार में 35%, तो 2001 का जनसंख्या है नैनीताल का। उसी प्रकार से पौड़ी में 35-40 हज़ार रुपया लोग बस गए हैं। पूरे पहाड़ के हर गांव में करीब करीब हो गया है। बहुत स्थिति गंभीर है पहाड़ की, मैंने ये देखा। स्थिति गंभीर है और वो भी उस जगह की जिसे देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि में राक्षसों का प्रवेश हो गया है, ये बहुत सीरियस मामला है। और वहाँ की जो सरकारें हैं उन्होंने कभी इस पर ख्याल नहीं किया। जो अनऑथराइज इलीगल बांग्लादेशी वो पहले आते हैं, नदियों के किनारे डेरे लगा करके टेंट लगा कर रहते हैं, बाद में वहाँ का MLA उनको वोटर लिस्ट में उसका नाम दर्ज करा देता है, फिर धीरे धीरे वो बस जाते हैं, वहाँ परमानेंट बासिंदा हो जाते हैं। ये पिछले 20 साल से चल रहा है जब से नया राज्य बना है। और इस तरह से लगभग जो है बहुत बड़ी संख्या में कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं वो मुस्लिम बहुल हो गई हैं। सर ये तो बात रही उत्तराखंड की, उत्तराखंड को में जो ज़मीनी तौर पर आपने देखा कि वहाँ पे धर्मांतरण को लेकर क्या किस तरीके का खेल चल रहा है वो आपने हमसे साझा किया। छत्तीसगढ़ की बात करें सर, छत्तीसगढ़ में भी आपने धर्मांतरण के खिलाफ काफ़ी काम किया है। छत्तीसगढ़ में मेरे समक्ष, मैं तो वहाँ चीफ लोकायुक्त था जी, तो मेरे समक्ष बहुत से ऐसे पिटीशंस आई जैसे जो वहाँ सबसे अच्छे सुंदर बसे हुए मोहल्ले हैं उसमें एक मकान कोई लिया इन्होंने और ले करके उसको कन्वर्ट कर दिया मस्जिद में, और कन्वर्ट करके और वहाँ से उन्होंने आधा किलोमीटर सड़क पर एक तरफ और दूसरे तरफ करके उन्होंने लाउडस्पीकर सड़कों पर लगवा दिया और सवेरे शाम तक लगातार कुरान या और हदीस का पाठ हो रहा है। और लोग वहाँ के इतने परेशान हो गए थे कि पूरा मोहल्ला खाली होने की स्थिति में आ गया था। ऐसी कई जगह हैं पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में ये थे। तो चूंकि पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मैंने तलब किया, और चूंकि मेरा ज्यूरिडिक्शन जो है वो ऑफिसर्स के खिलाफ था तो मैंने तलब किया और उसके बाद उन सबों को हटाया और इस प्रकार वो क्षेत्र खाली होने से बचे या पूरी तरह धर्मांतरित होने से बचे। पूरा एरिया बहुत
कम दामों में लोग मकान खरीद करके वहाँ इस्लामिक लोग बस जाते हैं, ये एक मोडस ऑपरेंडाई है। बहुत बड़ी संख्या में जो लाउड स्पीकर चल रहे हैं उसका भी एक यही वह स्थिति है कि रिहायशी क्षेत्रों में लाउड स्पीकर, लोगों का सोना हराम, उठना बैठना, बच्चों का पढ़ना हराम, तो ये इस तरह की एक चीज़ थी। तो इसको मैंने कंप्लीट कंक्लूड किया। छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े हिस्से में जशपुर वगैरह के तरफ पर बहुत बड़ा कन्वर्जन हुआ है ईसाइयों का, और आज भी उनका खेल चल रहा है गरीबों के बीच में। और जहाँ तक मेरे संज्ञान में आया कि उनका नक्सलियों से और इस्लामिस्ट से गठजोड़ हो गया है, और इस कारण से उनका अवाध रीति से कार्य चल रहा है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। बच्चों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वो इन लोगों के द्वारा हो, उनको ले जा करके, और इस्लामिक या क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस में उनकी ट्रेनिंग देना, उनको कंपलसरी माइंड उनका चेंज करना और फोर्सफुली कन्वर्ट करने का ये भी चल रहा है। मेरे संज्ञान में 2016 का केरल हाई कोर्ट का वो जजमेंट आया जिसमें तत्कालीन चीफ जस्टिस जस्टिस अशोक भूषण के बेंच ने केरला में कई सौ जो है वो मुस्लिम अनाथालय थे, उत्तर भारत के पूर्वोत्तर भारत के बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न प्रांतों के बहुत बड़ी संख्या में हिंदू बच्चे पाए गए, उनको उन्होंने रेस्क्यू कराया और उनकी जान बचाई। वो मुस्लिम और क्रिश्चियन मदरसों में अनाथालयों में हिंदू बच्चे क्या कर रहे हैं, ये एक फोर्स कन्वर्जन का, उनको इस्लामिस्ट बनाने का एक साजिश ऐसा प्रतीत होता है। तो वो जजमेंट 2016 का है और उन्होंने इस पर कड़ी कदम उठाए, सीबीआई को रेफ़र किया, उन बच्चों को रेफर रेस्क्यू कराया। ये स्थिति पूरे भारत में चल रही है। चलिए, एक बड़ा जजमेंट, बहुत बड़ा बिजनेस है, और पता नहीं चलता था कि बच्चे कहाँ गए। पहली बार उसके बाद मालूम हुआ कि ये इन अनाथालयों में जब कंपलसरी उनको बंद करके रखा जाता था तब पता ही नहीं चलता था कहाँ गए। तो ये फोर्स कन्वर्जन का एक ये भी स्वरूप है। कई और चीज़ें हैं, गरीब है आदमी उसको कम दिया जाए। जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ की जो रिपोर्ट है, वहाँ के कई लोगों से मुझे पहले मिलने का अवसर मिला था, उनका कहना है कि उन क्षेत्रों में स्कूल क्रिश्चियन मिशनरीज का है, तो क्रिश्चियन मिशनरीज में स्कूल में भर्ती करना है तो पहले क्रिश्चियन बनो। इस तरह से बहुत व्यापक स्तर पर धर्मांतरण क्रिश्चियनिटी में किया लोगों ने, और जो लोग नहीं कर पाते थे उनको प्रताड़ना, किस प्रकार परिवार के लोगों को प्रताड़ना, महिलाओं को प्रताड़ना क्रिश्चियंस कन्वर्टेड लोगों के द्वारा, ये इस चीज़ के बारे में बहुत बड़ी संख्या में अखबारों में भी कभी आता रहा है, और इस समय चूंकि यूट्यूब का मामला है तो यूट्यूब पर भी आ रहा है। सर, एक सवाल और रहेगा, आपने उत्तराखंड की बात करी, किस कानून होने के बावजूद जिस तरीके का धर्मांतरण का खेल वहाँ चल रहा है वो आपने देखा। दूसरी बात, आपने सर आपने ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ की भी बात आपने हमें बताई। सर, अभी शिवराज सिंह जी ने भी कहा कि कानून के भी राज्य में बनेगा, आपने उत्तर प्रदेश में भी काम किया हुआ है। सर, अगर हम धर्मांतरण के विरोध में कानून जो राज्यों में लागू हैं अगर हम उनकी बात करें, किस राज्य के कानून को आप नज़ीर मानेंगे कि और क्यों सर कि ऐसा कानून होना चाहिए? अब मैं उत्तर प्रदेश के कुछ घटनाओं के बारे में बताऊंगा। प्रयाग में नैनी एक कल्चर इंस्टीट्यूट था, उसका कन्वर्ट करके उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया। तो वहाँ के जो वाइस चांसलर प्रो वाइस चांसलर आर बी लाल, उन्होंने इस तरह का नाटक फैलाया कि ईसा मसीह उनके शरीर में आती है, और संडे को वो एक उसके सभा करते थे, और उसका इतना प्रचार हुआ कि एक एक लाख लोग
पूरे भारत के ईस्टर्न इंडिया से, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आने लगे, उनको खाना खिलाता था और वो चंगाई कि चंगाई टच कर दिया तुम्हारा रोग खत्म होगा, ये करके बहुत बड़ी संख्या में कन्वर्ट किया उसने इस आधार पर। ये पिछले 8-10 साल के अंदर हुआ है। इस तो योगी जी के आने के बाद कन्वर्जन पर बहुत ही कठोर कानून बनाया गया है और इस समय तो कुछ कंट्रोल हुआ होगा ज़रूर, मेरे पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि इस प्रकार की चंगाई सभाएं कम हो गई हैं, लेकिन आसपास के 7-8 मेरे संज्ञान में बताया गया मुझको कि आसपास के आठ दस गांव में अधिकांश व्यक्ति क्रिश्चियन हो गया है, उनको नौकरी के लालच देकर इस तरह करके उन्होंने कन्वर्ट किया है और बहुत व्यापक स्तर पर कन्वर्जन किया है उन्होंने। ये प्रोटेस्टेंट लोग हैं तो, और कैथोलिक लोगों का तो अलग हिसाब है, आपने अभी सुना ही होगा और देखा भी होगा, आप तो पत्रकारिता में हैं कि किस प्रकार से वो किन किन तरीकों से धोखा दे करके सामने उन्होंने दो मूर्तियां रखी, एक लोहे की और एक लकड़ी की, कहा ये लोहे के राम की मूर्ति है देखो डूब गई और ये हमारे जो है वो ईसा मसीह तैर रहे हैं। तो इस प्रकार से धोखा देकर चकमा दे करके फ्रॉड करके कन्वर्जन करना ये बहुत बड़ा स्थिति। उत्तर प्रदेश का कानून सबसे स्ट्रॉन्ग है और अभी हाल में बना है और उस पर कार्रवाई भी शुरू हो रही है। मुझको लगता है कि इसी तरह कानून अगर पूरे देश में बन जाए तो शायद इस पर कंट्रोल हो। तो सर उत्तर प्रदेश का कानून को आप कहते हैं कि नज़ीर बना हुआ है और भी राज्यों में इसको लागू होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं सर। क्या एक आप एक किस इसे कैसे देखते हैं कि जो जबरन धर्मांतरण है ये इतना गंभीर क्यों मसला है आज हमारे देश में, क्यों इस पर बात होनी चाहिए, क्या होगा, धर्मांतरण का खेल क्यों खेला जा रहा है, एक आम जनता इसे कैसे समझे? धर्मांतरण से तुरंत राष्ट्रांतर हो जाता है, उसकी जो जड़ है जो भारतीय संस्कृति भारत के अपने पूर्वजों से कट करके अब पाकिस्तान बन गया तो उन्होंने भारत के 10,000-15,000 वर्ष पूर्व के इतिहास से अपने को काट लिया। अब वो अपने को मीर मोहम्मद बिन कासिम से अपना इतिहास शुरू करते हैं, यानी उन्होंने अपने पूर्वजों से बिल्कुल कट गया और वह भारत के हो ही नहीं सकते हैं। वो भारत के जिस प्रकार वहाँ के मूल लोग हिंदू लोग हैं जो अपने को करोड़ों सालों से लाखों सालों से अपने इतिहास से जोड़ते हैं, उसी तरह क्रिश्चियन जो हैं वो चूँकि भारत में दो तरह के रिलीजन हैं, एक क्रिश्चियनिटी और जिसका हेडक्वार्टर अरब है रोम है, और इस्लाम जिसका हेडक्वार्टर अरब है, तो इनके जड़ वहाँ है, इनका मूल वहाँ है, इसलिए ये वहाँ से जुड़ते हैं। यहाँ सही ढंग से जुड़ने का प्रयास अगर कोई अपने पूर्वजों के लिए करता भी है तो ये तथाकथित जो मुल्ले मौलवी लोग हैं इनको भारत से जुड़ने न जुड़ने का ही इस प्रकार का पैगाम देते हैं ऐसा पता चलता है। इस कारण से धर्मांतरण तो इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मुझको लगता है कि अगर जो लोग कि अभी हाल में धर्मांतरित हो रहे हैं उनको सही चीज़ बताई जाए तो शायद अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाएं, और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल, तो धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण तक का ये जो खेल है कितना किस तरीके से खेला जा रहा है ये हमें बताया इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज एस एन श्रीवास्तव जी ने। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक घटना और आपको बता देता हूँ, मेरे संज्ञान में आया कि छत्तीसगढ़ में एक जिला है कोरिया, कोरिया में आदिवासी बहुल जिला है और वहाँ पर आदिवासी महिलाएं जो हैं विधवा हो गई तो बहुत खुला हुआ समाज है, तुरंत दूसरी शादी हो जाती है,
और बाकी जगह नहीं है। तो कोई बांग्लादेश का कोई मुस्लिम मुल्ला आया और वहाँ रह गया, उसने एक शादी की और करते करते उसने ढेर सारे वहाँ बांग्लादेश के मुसलमानों को ले आकर बसा दिया और इस तरह आदिवासी औरतों से शादी करके, जो मुझे बताया गया किसी बड़े अधिकारी ने बताया कि कोरिया ज़िले का पूरा कॉम्प्लेक्शन ही चेंज होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा खतरा है। और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के लगभग 22-23 ज़िले हैं जिसमें लगभग 50% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन हो रही है, और कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ ईसाई बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। तो और राष्ट्र उससे जो है इस समाज से कटकर, इस देश से कटकर उनकी जो लायबिलिटी है वो दूसरे जगह हो जाती है। ये बहुत ही खतरा बढ़ रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए।